हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं जो वीडियो कर रही हूँ ये है कैंसर के लिए, यानी कर्क राशि के लिए अप्रैल मंथ कैसा जाएगा रिगार्ड्स टू देयर लव एंड देयर करियर। मतलब पहले हम बात करेंगे आपके लव लाइफ के बारे में, फिर हम बात करेंगे आपके करियर लाइफ के बारे में। शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि ये गाइज ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग होती है, यानी कि सारे जो कैंसर साइंस है, मून साइन के ऊपर आपकी रीडिंग देखा करिए। प्लीज़ कमेंट में फिर से मत पूछिएगा कि कौन से साइन के ऊपर आप रीडिंग करते हो, मून साइंस राइजिंग है या कौन सी है। मून साइन इज़ रिलेटेड टू योर इमोशंस, और क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ चीज़ हम लोग हमारे इमोशंस के बारे में बात करते हैं आपके, प्लीज़ लुक एट योर मून साइंस। ओके, लेट्स सी कर्क राशि वालों के लिए अप्रैल मंथ कैसा जाएगा। ओके, द फूल पहला है एरीज, नाइट ऑफ पेंटिकल्स टॉरस वर्गो और कैप्रिकॉन। ओके, द हायरोफेंट टॉरस, जस्टिस है यहाँ पे लीब्रा। ओके फाइन, सो अभी तक एज फार एज आई कैन सी दिस, कहीं ना कहीं मुझे आपके लाइफ में, लाइक स्पेशली इन योर लव लाइफ, कुछ बहुत ही स्टेबल सा, मतलब कुछ ऐसा होने वाला है जिसके वजह से आप इस रिश्ते में थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल फील करोगे, थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे। हो सकता है आपको आपके पर्सन की तरफ से फाइनली कमिटमेंट मिल जाए, हो सकता है कि जिस ऑफर का या जिस भी सिचुएशन का या जिस भी चीज़ का आप वेट कर रहे थे अपने पर्सन की तरफ से, वो फाइनली मुझे आपको मिलते हुए दिख रहा है इन द मंथ ऑफ अप्रैल। ठीक है, चाहे वो शादी की बात हो, चाहे कमिटमेंट हो, फैमिली नहीं मान रही थी तो फैमिली मान जाएगी, एंड फाइनली आपके रिश्ते को ऑफिशियल कह लो, या हो सकता है आप दोनों कोर्ट मैरिज कर लो, या हो सकता है आपके फैमिलीज ही आपका कोर्ट मैरिज करा दे। यू नो दे माइट नॉट बी क्वाइट कॉन्फिडेंट कि आपके लोगों के सामने शादी हो। होता है, अभी इट डिपेंड्स ऑन वॉट एवर सिचुएशन यू आर गोइंग थ्रू, बट मुझे कुछ चीज़ें ऑफिशियल होते हुए दिख रही है, कुछ चीज़ें सॉर्ट आउट होते हुए दिख रही है, जिसके वजह से आपके उस सर के ऊपर का बोझ कह लो कम हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा। यू विल स्टार्ट फीलिंग लाइट एंड यू नो, तो किसी सिचुएशन के ऊपर से फाइनली मिस्ट्री पर्दा हट जाएगा एंड आपको लगेगा कि हाँ अभी मैं चैन की सांस ले सकती हूँ या ले सकता हूँ। सो दैट इज़ व्हाट्स हैपनिंग द फर्स्ट थिंग। फाइनली मुझे लगता है अगर आप किसी पर्सन के आने का या उनके कॉल का, उनके मैसेज का या उनके मिलने का इंतज़ार कर रहे थे, वो फाइनली होने वाला है। मुझे ये भी लगता है कि बहुत सारा डिस्कशन होते हुए दिख रहा है मुझे अप्रैल मंथ में आपके और आपके पार्टनर के बीच में, बहुत सारी बातें, बहुत सारा डिस्कशन जो कि एक पॉजिटिव डिस्कशन का रूप लेगा। कुछ हड़बड़ी नहीं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है मुझे। बहुत काम एंड अच्छा एंड कह लो एक सॉर्टेड सा डिसीजन या कम्युनिकेशन मुझे आप दोनों के बीच होते हुए दिख रहा है फाइनली। ओके, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मे बी आपने बहुत पेशेंस रखा, आपने बहुत अपने आप को संभाला एंड बहुत आपने वेट किया इस सिचुएशन का, एंड फाइनली इट इज़ हियर। आपको बहुत अच्छी गाइडेंस मिलेगी आपके लव लाइफ को लेकर, लोग आपको अच्छी गाइडेंस देंगे जिसकी वजह से आप अच्छे डिसीजन ले पाओगे अपने लव लाइफ में, एंड सिचुएशन मुझे ना सॉर्ट आउट होते हुए दिख रहा है। आई एम जस्ट हियरिंग के ओह फाइनली। ओके, इस तरह का कुछ एक आपका नज़रिया होगा। लेट्स क्लैरिफाई ईच कार्ड, फूल क्यों है या वट एवर, जो भी मैं बोल रही थी वही दिख रहा है मुझे। या आई टोल्ड यू। ओके, सो कमिंग टू द क्लैरिफायर्स, जो है एट ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और हर्मिट, वर्गो, टेम्परेंस, सैजिटेरियस और क्वीन ऑफ ये फोकस क्यों नहीं हो रहा है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। देखिए, सबसे अच्छी बात जो अभी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि
अगर आपको लग रहा था कि इस पर्सन ने आपको चीट कर दिया या मेरे साथ तो बहुत गलत हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये क्या हो गया, फाइनली मुझे वो सिचुएशन अब बेटर होते हुए दिख रही है एंड यू विल फील कि नहीं, इस पर्सन के फीलिंग्स ट्रू थे, मैं गलत सोच रहा था, मैं गलत सोच रही थी। आपके ऊपर जो बोझ था ना इमोशनली वो हट जाएगा, जो नेगेटिव सोच रहे थे आप, कुछ ऐसा पॉजिटिव होगा आपके लव लाइफ में जिसके वजह से फाइनली आप विश्वास कर पाओगे, आपका रीगेन होगा ट्रस्ट। दूसरा व्हाट आई एम सीइंग हियर इज अ लॉट ऑफ यू कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि कोई इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है आपको, कोई इन्फॉर्मेशन, कोई ऐसा मैसेज जिसके वजह से आप थोड़ा सॉर्टेड फील करोगे। ओके, कुछ तो है जो आप काफ़ी टाइम से ढूंढ रहे थे, जानने की कोशिश कर रहे थे, वो फाइनली आपको समझेगा एंड इट विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ क्लैरिटी। आपका इंट्यूशन भी आपको काफ़ी साथ देगा। ओके, आप समझने में सिचुएशन को, उस पर्सन को, कि क्यों उनको इतना टाइम लगा, क्यों उन्होंने डिसीजन इतना लेट लिया। एंड जैसे मैंने बोला, मुझे कुछ कॉम्प्रोमाइज़ होते हुए दिख रहे हैं, मे बी आप दोनों म्यूचुअली एक दूसरे से कॉम्प्रोमाइज़ कर लोगे, सिचुएशन आगे बढ़ने लगेगी, फाइनली आप दोनों के बीच एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होते हुए दिख रही है। एंड जो लॉस्ट किया था, वॉट एवर वॉज लॉस्ट इज़ गोइंग टू रिगेन, जो खोया था वो आपको मिलने वाला है सब कुछ वापस। ओके, सो दैट्स इट। अभी हम लोग कुछ ओरेकल एडवाइजेज या गाइडेंस या मैसेजेस देख लेते हैं, जो कुछ भी आप मानो। लेट्स सी फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल कर्क राशि के लिए, गो टू द डिस्टेंस नंबर 47। ये नंबर्स जो मैं बता रही होती हूँ, ये कुछ सिग्निफिकेंट नंबर्स हो सकते हैं आपके लिए। ओके, फ्लेक्सिबल नंबर 19, ये डेट भी हो सकती है आपके लिए इंपॉर्टेंट, मे बी 19th अप्रैल। नेक्स्ट है ऑब्जर्वर नंबर 49 एंड एक और कार्ड आया है थिंकर नंबर 44। ओके, एज फार एज आई सी दिस, मुझे लगता है कि जैसे मैंने बोला कि कॉम्प्रोमाइज़ होगा किसी सिचुएशन में, आप भी एडजस्ट करोगे, आपको भी वो ज़रूरत फील होगी कि अगर सामने वाला पर्सन मेरे लिए इतना कर रहा है तो आई शुड, मतलब मुझे भी कुछ करना चाहिए, मुझे भी एडजस्ट करना चाहिए। दूसरी चीज़ मुझे दिख रही है कि आपको उन उस पर्सन के करीब जाने के लिए उनसे दूर जाना पड़ा। ओके, उनसे आपको दूर रहना पड़ा, दूर जाना पड़ा, डिस्टेंस आप दोनों के बीच हो गया, जिसके वजह से ही इस पर्सन को रियलाइजेशन हुआ। ओके, एंड अगर ये आपके लिए गाइडेंस कह लो या एडवाइस कह लो, कि अगर पास्ट फ्यूचर में भी अगर कुछ ऐसा होता है कि ये पर्सन आपको अटेंशन नहीं दे रहे हैं, ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं, दे नॉट शोइंग अप, टेक अ ब्रेक। ओके, नीडी मत बनो, पीछे मत भागो, चेज मत करो। दूसरा मुझे ये भी लग रहा है कि इफ़ फॉर सम ऑफ यू, देखिए अभी 100% अगर लोग देख रहे हैं, उसमें से 70% के लोग अच्छा इंटेंशन लेके आएंगे और सब कुछ अच्छा अच्छा होगा। 30% ऐसे भी हो सकते हैं कि उनके इंटेंशंस इतने कुछ सही नहीं है, बस वो दे आर कमिंग जस्ट फॉर इट, ठीक है, फॉर द नेम सेक कि मैं आ रहा हूँ भाई वापस। तो आपको ऑब्जर्व करना है, आपको एनालाइज़ करना है कि ये पर्सन का बिहेवियर कैसा है, क्या कुछ चेंजेस आए हैं, क्या आप जो चेंजेस उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे वो उन्होंने लाए हैं खुद में। ऑब्जर्व करिए, थोड़ा तुरंत भी बहकावे मत आ जाना, ठीक है। ऑल्सो मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि समवन इज़ थिंकिंग अबाउट यू, कोई तो है जो आपको देख रहा है, स्पाई कर रहा है, आपके बारे में सोच रहा है, आपको ऑब्जर्व कर रहा है, एडजस्टमेंट्स करना चाह रहा है और जानबूझ के आपसे दूर रह रहा था फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम। दैट इज़ व्हाट आई गेट। ओके, अभी हम लोग कुछ हैंड रिटन मैसेजेस देख लेते हैं, लेट्स सी। ओके, पहला है सीक्रेट लवर, हो सकता है कि कोई सीक्रेट लवर है आपकी लाइफ में जिसके बारे में शायद आपको पता ही नहीं है, मे बी आप दोनों के बीच कुछ कन्फ्यूजन है आपके और आपके पर्सन के बीच में, सी रिकन्सिलेशन। एंड लास्ट है वाटर साइन, तो मे बी आप किसी वाटर साइन से डील कर रहे हो या आप खुद भी हो तो वाटर साइन, हो सकता है ये आपकी एनर्जी के बारे में बता रहा है। सो दिस वॉज इट फॉर लव रीडिंग। अभी हम लोग चलते हैं करियर रीडिंग की तरफ, लेट्स मूव टू द करियर रीडिंग। हेलो गाइस, कर्क राशि वालों के लिए देखते हैं उनके करियर में क्या कुछ सिग्निफिकेंट होने वाला है। आई थिंक अगले मंथ से मैं इतने लंबे चौड़े रीडिंग नहीं करूँगी, आई जस्ट गेट बोर्ड विद इट, मैं छोटी छोटी रीडिंग करूँगी एंड आई जस्ट पोस्ट इट लाइक 2 मिनट्स 3 मिनट्स मैक्स टू मैक्स 5 मिनट्स। आई वोंट डू अ लंबी चौड़ी रीडिंग, ओके, फ्रॉम अ वेरी नेक्स्ट टाइम, एंड सिर्फ लव लाइफ के बारे में बात करूँगी।
आई डोंट नो वाई, बट मुझे खासा अच्छा नहीं लगता है लव लाइक बड़े बड़े रीडिंग्स करना इस मामले में, लाइक साइंस के लिए. ओके, कर्क राशि फॉर देयर करियर, फॉर देयर जॉब, बिजनेस, वट एवर. किंग ऑफ स्वर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, नाइन ऑफ कप्स, टेन ऑफ स्वर्ड्स. वन मोर प्लीज, वन मोर. व्हील ऑफ फॉर्चून. ओके, एज फार एज आई सी दिस, देखिए मुझे लगता है कि फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम एट योर वर्क स्पेस मे बी यू आर एक्सपेक्टिंग मच बेटर, कोई ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे थे, कुछ ज़्यादा आपकी आप उम्मीद कर रहे थे, और कोई था आपके वर्क सिचुएशन में, आपके बॉस या कलीग, आई डोंट नो, दे वर नॉट कोऑपरेटिंग विथ यू, वो आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, वो आपको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे थे, वो आपके कह लो आपके जो काम है, स्किल्स है, या आपकी मेहनत है, उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे थे, उसको रिवॉर्ड नहीं कर रहे थे कुछ भी. बट नाउ आई सी समवन ओपनिंग अप. आपके काम में जो पर्सन प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा था, जो पर्सन आपको ठीक से काम नहीं करने दे रहा था, या जिसके साथ आपकी बॉन्डिंग नहीं हो पा रही थी एट योर वर्क स्पेस, फाइनली मुझे वो बॉन्डिंग होते हुए दिख रही है, एंड चीज़ें आगे बढ़ते हुए दिख रही है इन योर करियर. कोई आपकी विश है अगर आपके करियर के मामले में, वो मुझे पूरी होते हुए दिख रही है. आई वुड एडवाइज़ यू कि ज़्यादा पिकी मत होइए काम को लेकर या जॉब को लेकर. लेट इट अनफोल्ड नेचुरली. अगर आप बहुत ज़्यादा अपने ही यू नो डिसीजंस लाते रहे अपने, लाइक फॉर एग्जांपल अगर काम के सिलसिले में इफ़ यू डोंट लाइक अ स्पेसिफिक काम, तो यू कांट से नो टू दैट, यू हैव टू डू इट. ओके, क्योंकि यू आर वर्किंग देयर, राइट? तो ऐसे चूज़ ही मत होइए. या अगर किसी जॉब की ऑफ़र आपके पास आती है एंड दे पे यू सम लेस, देन फॉर अ एक्सपीरियंस यू शुड डू इट. अगर आप ऐसा माइंड सेट लेके रहे कि मुझे इतना अगर मिलेगा तो ही मैं करूँगी या करूँगा, सो इट वॉन्ट वर्क, राइट? ऑल्सो आई सी के किसी मामले में यू माइट फील अ लिटल बिट हर्ट. हो सकता है आपका प्रमोशन की बात हुई हो एंड वो नहीं हुई, या आपको बस यू नो बताया गया कि यू विल बी प्रमोटेड एंड वैसा नहीं हुआ, या कुछ जो लॉस्ट, समथिंग दैट वॉज लॉस्ट यू आर गोइंग टू, जैसे आपके लव लाइफ में भी देखा ना हमने, कुछ खो दिया था वो वापस आपको मिलने वाला है. सो मे बी अ प्रमोशन वॉज टेकन बैक फ्रॉम यू, या कोई प्रोजेक्ट आपसे ले लिया गया था, या कोई एग्जाम, फॉर अगर आप स्टूडेंट हो फॉर एग्जाम्पल, कोई एग्ज़ाम था जिसका डेट पोस्टपोन कर दिया गया था, वो कैंसिल कर दी गई थी, फाइन अगेन वो आपको चांस मिलेगा, ठीक है? सो समथिंग कुछ तो वापस मिलने वाला है आपको. लेट्स क्लैरिफाई समथिंग हियर. ओके, यहाँ क्वीन ऑफ कप्स, यहाँ पे है सेवन ऑफ पेंटिकल्स. मैं साइंस आपको बताती हूँ. दी साइंस मे बी समवन आपके आसपास जिनके साथ आप काम करते हो या बिजनेस करते हो. ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है और पाइसिस है. देखिए मैंने आपको यही बोला कि कुछ कोई तो है जो आपको जो आपसे डील नहीं करना चाह रहा था आपके काम के जगह पे, या आपको इग्नोर कर रहे थे. दे विल बी रिकॉग्नाइजिंग यू, एंड कोई ऑफर उनकी तरफ से ही आएगी आपको फाइनली, जिसके मामले में आप डिसअपॉइंटेड थे. देखिए मुझे लगता है कि कुछ आपको मिलने वाला है, बट यू विल बी डिसअपॉइंटेड बाय दैट ऑल्सो. मे बी आपको कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेड था. फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ आपको, अगर सैलरी इंक्रीमेंट एक्सपेक्टेड थी बाय 5,000, हो सकता है थोड़ा कम मिले, तो वैसा कुछ मुझे सिचुएशन होते हुए दिख रहा है कि आपको मिलेगा बट थोड़ा कम देन एक्सपेक्टेड. ऑल्सो कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा है कि किसी सिचुएशन में आप बहुत एफर्ट्स डालोगे, चाहे वो पैसे जमा करने के बारे में हो, कुछ नया करना है आपको, कुछ समथिंग, जिस कोई प्रोजेक्ट था जहाँ पे आपने बहुत काम किया बट वो काम ही नहीं किया, लास्ट में जाके इट गॉट रिजेक्टेड, या फिर समथिंग और दी अदर, सम फेलियर इज़ डेफिनेटली गोइंग टू कम योर वे, बट आपको काम करना नहीं छोड़ना है. हो सकता है आपके हार्डवर्क से वो सिचुएशन चेंज हो जाए. ऑल्सो मुझे कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि जो भी आप करते हो, टेक वाइज डिसीजंस, अपने इंट्यूशन की सुनिए, ठीक है? नाउ लेट्स सी फॉर ओरेकल एडवाइजेस फॉर योर करियर, फॉर योर वर्क, फॉर योर स्टडी, बिजनेस, जो भी आप करते हो. पहला है आपके लिए टाइम टू गो. मे बी आपको किसी सिचुएशन में वो सिचुएशन से दूर जाना ही आपके लिए बेहतर रहेगा. मे बी हो सकता है आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी टाइम से काम कर रहे हो ना, आपको वहाँ से कोई एफर्ट्स के रिकॉग्निशन मिल ही नहीं रही है, आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है, आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है, सो लीव दैट. टू बी फेयर, कहीं ना कहीं जैसे मैंने आपको बोला कि किसी सिचुएशन में यू विल लूज समथिंग एंड अदर सिचुएशन यू विल गेन समथिंग, ठीक है? तो एक बैलेंस हो जाएगा.
न्यू लाइफ हो सकता है, कुछ नया आपके लव करियर में हो, समथिंग न्यू, अ न्यू जॉब, अ न्यू बिजनेस, अ न्यू आइडिया, समथिंग और द अदर. ओके, सो बी रेडी फॉर दैट ऑल्सो. तो यही थी रीडिंग कैंसर के लिए, यानी कर्क राशि के लिए. अगर रीडिंग आपको पसंद आई है, आपको पता है आपको क्या करना है, लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा. सी यू नेक्स्ट वीडियो.